संधु के पुत्र की शादी में करेंगे शिरकत, है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से करेंगे शिष्टाचार भेंट। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान, कहा बहुमत मिला तो भी लोकतांत्रिक ताकतों को साथ लेंगे, कांग्रेस की सरकार में बदले की भावना से काम नहीं होगा। हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पर रोक, कांग्रेस ने जताया था विरोध। हरिद्वार में यति नरसिंहानंद और स्वामी अमृतानंद ने खुली चुनौती और कहा कि अगर वो शास्त्रार्थ में पराजित हुए तो जीवित जल समाधि ले लेंगे। बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, बिजली बिलों का चक्र बदलने से देना होगा कम बिल, 2 महीने का बिल 55 से 65 दिनों के भीतर होगा तैयार। बर्फबारी का आनंद उठाने तुंगनाथ धाम पहुंच रहे पर्यटक, कपाट बंद होने के बावजूद मंदिर में पहुंच रहे सैलानी, तुंगनाथ मंदिर में जमी है 5 से 6 फीट तक बर्फ। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गौरिमा बाजपेयी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। खबर चंपावत से है जहां उत्तराखंड में बड़ा हादसा हुआ है, खाई में गिरा बारात से लौट रहा वाहन, 14 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, चालक सहित 2 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। टनकपुर चंपावत हाईवे से जुड़ी सूखी डांग पर यह दुर्घटना हुई है जहां पर एक बारात से लौट रहा वाहन खाई में जा गिरा और जिसमें 14 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, चालक सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, टनकपुर चंपावत हाईवे से जुड़ी सूखी डांग पर ये दुर्घटना हुई है। ये दुखद खबर सामने आई है जहां पर उत्तराखंड में बड़ा हादसा देखने को मिला है, उत्तराखंड के चंपावत में ये बड़ा हादसा हुआ है जहाँ बारात से लौट रहा एक वाहन खाई में जा गिरता है और जिसमें 14 लोगों की मौत हो जाती है, कुल 14 लोगों की जान उसमें गई है, चालक सहित 2 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। और ये दुखद हादसा चंपावत में हुआ है, टनकपुर चंपावत हाईवे से जुड़ी सूखी डांग पर यह दुर्घटना घटी है। उत्तराखंड में चंपावत में बड़ा हादसा देखने को मिला है जहां एक बारात से लौट रहा वाहन खाई में जा गिरा और जिसमें 14 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। और बारात से ये बस लौट रही थी, चालक सहित 2 लोग अभी भी गंभीर हालत में बताए जा रहे हैं, 14 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। इस दुखद हादसे में 14 लोगों की जान गई है, टनकपुर चंपावत हाईवे से जुड़ी सूखी डांग में ये दुर्घटना घटी है। चंपावत उत्तराखंड में बड़ा हादसा देखने को मिला है, तो उत्तराखंड के चंपावत में ये भीषण हादसा जहां 14 लोगों की जान चली गई, बारात से ये वाहन लौट रहा था, ये बस बारात से लौट रही थी और उस दौरान ही ये हादसा होता है जहां ये बस खाई में जा गिरी और 14 लोगों की इसमें मौत हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम के न्यूज़ पर दिखा रहे हैं, टनकपुर चंपावत हाईवे से जुड़ी सूखी डांग पर यह दुर्घटना हुई है। चंपावत से आम खबर, उत्तराखंड में हुआ बड़ा हादसा, 14 लोगों की जान इस सड़क दुर्घटना में गई है। ये वाहन बारात से लौट रहा था, बताया जा रहा है कि बस में सभी लोग सवार थे और ये बस अचानक ही खाई में जा गिरती है जिसमें 14 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, चालक सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। तो बारात से लौट रहा वाहन अचानक ही खाई में जा गिरा जिसमें कुल 14 लोगों की जान चली गई है। ये दुखद हादसा उत्तराखंड के चंपावत में सामने आया है, टनकपुर चंपावत हाईवे से जुड़ी सूखी डांग पर यह दुर्घटना घटित हुई है जहां खाई में अचानक ही एक बस जा गिरी और इस हादसे में 14 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। बारात से ये वाहन लौट रहा था और चालक सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अगली खबर देहरादून से है जहां आज पंजाब के दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और सचिव एसएस संघु के सुपुत्र की शादी में शिरकत करेंगे। चंडीगढ़ के द हर्मिटेज फॉर्म नया गांव में कार्यक्रम है, दोपहर 2 बजे हरियाणा के सीएम आवास पहुंचेंगे सीएम धामी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से शिष्टाचार भेंट भी करेंगे। शाम 6 बजे पहुंचेंगे देहरादून के मुख्यमंत्री आवास और आज पंजाब के दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, सचिव एसएस संघु के सुपुत्र की शादी में शिरकत करेंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां आज पंजाब के दौरे पर रहेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से शिष्टाचार भेंट भी करेंगे। शाम 6 बजे देहरादून के मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे।
तो आज पंजाब के दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आज पंजाब पहुंच रहे हैं। सचिव SS संघू के सुपुत्र की शादी में शिरकत करने के लिए वो पंजाब पहुंच रहे हैं, लेकिन इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी शिष्टाचार भेंट उनकी होनी संभावित है। देहरादून से अहम खबर। तो देहरादून से बड़ी खबर, जहां आज पंजाब के दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सचिव के बेटे की शादी में शिरकत करने के लिए वो पहुंचेंगे। दोपहर 2 बजे हरियाणा के CM आवास भी पहुंचेंगे और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से शिष्टाचार भेंट भी करेंगे CM धामी। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और शाम 6 बजे देहरादून के मुख्यमंत्री आवास वापस पहुंच जाएंगे CM धामी। आज पंजाब के दौरे पर रहेंगे CM पुष्कर सिंह धामी, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आज पंजाब के दौरे पर CM पुष्कर सिंह धामी सचिव SS संघू के सुपुत्र की शादी में शिरकत करेंगे CM पुष्कर सिंह धामी। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता हिना आज भी जुड़ चुके हैं। हिना, आज पंजाब पहुंच रहे हैं उत्तराखंड के CM धामी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज पंजाब और हरियाणा दौरा होगा। आज सुबह करीब 9:30 बजे तक अपने CM आवास में शादी के कार्य को पूरा करेंगे। उनके बाद 9:30 बजे जो है पंजाब के लिए रवाना हो जाएंगे। और पंजाब में आज उत्तराखंड के सचिव SS संघू के पुत्र दमनवीर का आज शादी होगी, तो उसमें जो है प्रतिभाग करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और इसके बाद करीब 2 बजे जो है हरियाणा जाएंगे, जहां पर हरियाणा के CM आवास जाएंगे, वहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करेंगे। हालांकि ये शिष्टाचार भेंट बताई जा रही है और आज दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री मुलाकात करेंगे और करीब 6 बजे देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ऐसे लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, चुनाव के बाद जो है अपने जो पर्सनल काम है, जो निजी काम है, उनको निपटाते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार यहाँ पर लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी आज सचिव के बेटे की शादी में शिरकत करने के लिए पंजाब पहुंच रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी, लेकिन आपने बताया कि वो रात में ही वापसी भी देहरादून के लिए कर लेंगे। जी हाँ बिल्कुल, शाम 6 बजे जो है वह देहरादून में वापसी करेंगे और 6 बजे से रात 10 बजे तक जो है अपने तमाम शासकीय कार्य को निपटाएंगे और फिर जो है तमाम जो है शासकीय कार्य को निपटाने वाले। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया है ना आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये अहम खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर आज पंजाब के दौरे पर रहेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। यह अहम खबर हमने आपको बताया, जहां पर आज पंजाब के दौरे पर पहुंच रहे हैं और सचिव के बेटे की शादी में भी शिरकत करेंगे और साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से शिष्टाचार मुलाकात भी करेंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो वहीं शाम 6 बजे देहरादून वापसी करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अगली खबर डोईवाला से है, जहां नव दुर्गा मंदिर में बाबा सीता राम जी की कुटिया दूधली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री स्वामी यतेश्वरानंद पहुंचे। इस दौरान उनके साथ में पूर्व दायित्व प्रभारी राज्य मंत्री करण बोरा, ग्राम प्रधान श्याम सिंह धामी और पूर्व मंडल अध्यक्ष श्रवण प्रधान, अजय रावत, सुनील चौधरी, राधेश्याम, मुकेश कौली के साथ तमाम लोग भी मौजूद रहे। खबर बाजपुर से है, जहां चीनी मिल में आउटसोर्स पर कार्य कर रहे ठेकेदार के कर्मचारियों की दबंगई इतनी बढ़ गई कि ठेकेदार के कर्मचारियों ने गन्ना लेकर आए किसान के साथ मारपीट शुरू कर दी। तो वहीं मारपीट की घटना के बाद किसानों में आक्रोश देखने को मिला है और जिसके चलते किसानों ने चीनी मिल को बंद कराकर जाम लगा दिया। तो वहीं मौके पर पहुंचे चीनी मिल के अधिकारियों ने आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस को तहरीर दी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के ग्राम मजरा हसन के अंतर्गत आने वाले आरसल पार्सल फार्म निवासी शाहिद अली अपनी गन्ने से भरी ट्रॉली लेकर बाजपुर चीनी मिल में पहुंचा था, जहां गन्ना उतारने के दौरान आउटसोर्स पर काम कर रहे ठेकेदार के 2 कर्मचारियों की शाहिद अली के साथ में कहासुनी हो गई और जिसके बाद कर्मचारियों ने शाहिद अली की गन्ने से जमकर पिटाई भी कर दी।
देहरादून में जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने दर्शनी गेट से कोतवाली पल्टन बाजार तक स्मार्ट सिटी योजना के कार्यों का स्थल निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान पल्टन बाजार में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों को समयबद्धता के साथ पूर्ण करते हुए सड़क पर पैचवर्क कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यदायी संस्था UPCL को भूमिगत विद्युत लाइन के कार्य संबद्धता के साथ ही पूर्ण कराने एवं पल्टन बाजार में नाली निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दे दिए हैं। तो संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यों का डीएम ने जायजा लिया है। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाइए। लूजर सी इन सॉकर जी हाँ, प्रेडिक्ट क्रिकेट एंड फुटबॉल रिजल्ट्स एंड विन कैश ओनली ऑन स्काई 247 एनीवेयर एनी टाइम 24/7 एंटरटेनमेंट ओनली ऑन स्काई 247। Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के सफल मतदान के बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता जनता के बीच एकजुट होने का संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। जहां कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने नींबू सन्नी पार्टी दी और जिसमें कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता एक मंच पर नींबू सन्नी माल्टी का चटकारा लेते हुए नजर आए, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कल देर रात पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियों द्वारा इस तरह से संदेश देने के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। एक ओर जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कांग्रेस में पैदा हुई खटास को खट्टे मारते से मिठास में बदलना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर भीतर घास से जूझ रही भाजपा को दो दिग्गज मिलकर इस मसले को खत्म करना चाहते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव में भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पार्टी के खिलाफ प्रचार काम और वोटिंग करवाने के आरोप लगातार लग रहे हैं। जिसमें भाजपा की यमुनोत्री से भाजपा प्रत्याशी केदार सिंह रावत, लक्सर से संजय गुप्ता, काशीपुर से हरभजन सिंह चीमा और अब डीडीहाट से कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चौपाल भी इसमें शामिल हो चुके हैं। ऐसे में भाजपा डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है, तो वहीं कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर पार्टी के अंदर असमंजस का माहौल बना हुआ है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सभी नाराज लोगों को एकजुट करने के लिए अपने ही अंदाज में फिर से नींबू सनी पार्टी का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। इसके बाद अब राजनीतिक गलियारों में बातें बनना साधारण सी बात है। इसी पर भाजपा का कहना है कि कांग्रेस के लोगों को हार के डर से उनका दिल अच्छा करने के लिए उनको हरीश रावत खट्टा खिला रहे और भाजपा सदैव एकजुटता के साथ रहती है। चुनाव में जनता का तो भारी उत्साह था और विशेषकर हमारे विधानसभा में तुझे काफ़ी अच्छा प्रतिशत जो है मतों का रहा है, तो जनता में उत्साह था और मोदी जी के प्रति भी बुजुर्गों का महिलाओं का रुझान था। लेकिन मेरी विधानसभा का जहां तक प्रश्न है, वहाँ पर संगठन के ही कुछ पदाधिकारियों ने
जो कि पदों पे बैठे हैं उन्होंने भीतरघात किया है, वरना अंतर ज़्यादा बढ़ सकता था। लेकिन फिर भी कड़े संघर्ष के बाद भी थोड़ा बहुत अंतर से सीट भारतीय जनता पार्टी निकाली है। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लोग हार से बुरी तरह से डरे हुए हैं, उनका जी मिचला रहा है, उनको खट्टा खिलाकर उनका मन ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी जी की मिचलाहट दूर करने का प्रयास कर रहे हैं हरीश रावत जी। भारतीय जनता पार्टी में सदैव से परंपरा रही है कि हमारे सभी नेता लगातार संवाद रखते हैं, अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क में रहते हैं। उसी क्रम में पुष्कर सिंह धामी जी माननीय निशंक जी से, माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मिले हैं और भारतीय जनता पार्टी अपनी परंपराओं को कायम रखे हुए। नींबू सन्नी पार्टी को लेकर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि चुनाव के बाद कार्यकर्ता साथियों को थैंक यू कहने के लिए नींबू पार्टी रखी गई है और मुख्यमंत्री पद के लिए सोनिया गांधी जो भी निर्णय करेंगी वो सबको मानना होगा। वही आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता उमा सिसोदिया ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस में चुनाव से पहले जिस तरह से गुटबाजी सामने आई थी उसके बाद अब चुनाव में क्या दोनों पार्टियां क्या दिखाना चाहती है कि उनकी पार्टी में सब कुछ सही है तो इसका पता 10 मार्च को लग जाएगा। बीच में बहुत पीरियड है तो उनको जो है मैंने कहा चलो इस बहाने कार्यकर्ता साथियों से थैंक यू कह करके उनको नींबू भी खिलाते माल्टा भी खिलाते। अच्छा सर, 2022 के चुनाव के मतदान से पहले कांग्रेस और बीजेपी की अंतर कलह वो पूरी तरह से सतह पर थी, चाहे प्रीतम सिंह जी का गुट हो, हरीश रावत जी का गुट हो, दोनों गुट एक दूसरे के सामने तलवारें खींचे खड़े रहे और बीजेपी में भी जो अंतर कलह थी पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की, तीरथ जी की और वर्तमान सीएम धामी जी की, सारी अंतर्कलह पूरा टाइम चुनाव के समय तक जनता के सामने रही और जब मतदान खत्म हो चुका है, जब मतपत्र में ईवीएम में लोगों की किस्मत कैद हो चुकी है, आज हरीश रावत जी पार्टी देते हैं, माल्टा की पार्टी देते हैं और अपने जो उनके आपस के जो कलह थे उनको मिटाने की कोशिश करते हैं, धामी जी भी त्रिवेंद्र रावत जी के यहाँ जाते हैं, तो ये सब क्या है? चुनाव के बाद आप किस तरह के नाटक दिखा रहे हैं कि हमारे बीच में सारी एकता है, लेकिन जब चुनाव की बात थी तो आप लोगों की अंतर्कलह, आप लोगों की गुटबाजी इतनी बुरी तरह से सामने थी कि जनता को सब दिखाई देता है। अब आप कितना भी प्रेम अपना रचाकर दिखाइए, जनता सब समझती है और उन्होंने जिस हिसाब से मतदान किया है वो 10 तारीख को पता चल जाएगा। ऐसे में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद 10 मार्च को किसी के भी पक्ष में निर्णय आए, लेकिन इससे पहले दोनों ही पार्टियों के अंदर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या हरीश रावत ही उत्तराखंड में कांग्रेस के मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे और भाजपा जारी भीतरघात के आरोप का आलाकमान क्या कार्रवाई करता है। देहरादून से केएन न्यूज इंडिया के लिए दानिश अली की रिपोर्ट। और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत हरिद्वार में पहुंचकर उत्तराखंड में किसानों के लिए कहा कि यहां भी एमएसपी पर खरीदारी नहीं होती, पहाड़ का जो किसान है उसको जंगली जानवरों से भी नुकसान होता है, पानी का प्रबंध नहीं है, फसलें यहां भी कम रेट पर बेचनी पड़ती हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि कई पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और कहीं ना कहीं किसान भी चाहता है कि ये बदलाव हो और एक नई सरकार आए जो किसानों के हित में बात करे। चुनाव हो रहा है वहाँ पे, कई पार्टियाँ चुनाव लड़ रही हैं वहाँ, किसी एक उसका नहीं है और सबके आप अपनी विचारधारा पर चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पे। एक दूसरे को तो भाई राज्यसभा दे देते तो वो बढ़िया आदमी था, राज्यसभा नहीं दी तो भाई एलिगेशन लगा देते हैं। उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्टेट है और वहाँ पे क्षेत्र वाइज अलग अलग इशू वहाँ पे रहते हैं, तो ये है कि जनता तो नाराज़ है इनसे, अगर फेयर चुनाव हो जाएंगे तो इनको नुकसान बहुत होगा। क्या बदलाव होगा भाई? बदलाव को तो पता नहीं, तो जनता के हाथ में, बदलाव तो होगा नहीं होगा इसका तो इतने बड़े उसका कौन कह सकता है, तो सर्वे के आधार पे ही बातचीत होती है। उत्तर प्रदेश किसान बाहुल्य क्षेत्र है लेकिन किसान क्या बदलाव चाहता? किसान भी चाहता है बदलाव, तो कि इसमें लाभ नहीं मिला तो दूसरे उसमें मिल जाए, लेकिन किसान भी फसलें कम रेट पे बिका बहुत कमज़ोर कर दिया आर्थिक, उससे किसानों को, गांव के लोगों को, मजदूर को बहुत कमज़ोर स्थिति में ला कर दिया। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिले
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो, जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। जिसे भेजेगी विधानसभा की चौखट पर और कौन होगा विधानसभा से बाहर? किस करवट बैठेगा सियासत का उन? नेता नहीं, जनता करेगी तय। बच चुकी है रणभेरी, होने वाला है शंखनाद, बिछ गई है चुनावी बिसात। हरिद्वार से विकास खरे, मंगलोर से मैं अकील अहमद, उत्तरकाशी से अनिल रावत, कालाडुंगी से मैं रजत पंत, अनिल राणा, राजकुमार अग्रवाल, मैं शाहिद खान। के न्यूज इंडिया बताएगा आपको चुनाव की हर बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। खबर हरिद्वार से, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे, तो वहीं दौरे पर मुख्यमंत्री सबसे पहले हरिहर आश्रम कनखल पहुंचे, जहां जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया, और जिसके पश्चात मुख्यमंत्री जगजीतपुर स्थित बनने वाले मेडिकल कॉलेज के कार्यों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। तो वहीं आपको बताते चलें कि चुनाव के तुरंत बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव के परिणाम आने से पहले संतों का आशीर्वाद लेने के लिए धर्मनगरी हरिद्वार पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड की जनता हमारी भावनाओं को जानती है और इस बार मतदान करने के लिए मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया है वो काबिले तारीफ है। बीजेपी में लगातार चुनाव में भीतरघात के मामले सामने आ रहे हैं और पिछले दोनों ही राज्य में बीजेपी के विधायक ने प्रदेश अध्यक्ष पर गद्दारी करने का आरोप लगाया था, तो वहीं इसके बाद कई पार्टी के नेताओं में चुनाव में भीतरघात की आशंका जताई है। वहीं अब इसमें पुष्कर सिंह धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री और डीडी हाट से बीजेपी उम्मीदवार विशन सिंह चुफाल ने भी पार्टी में भीतरघात की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं से संगठन के पदाधिकारियों ने जिन सीटों पर नुकसान पहुंचाया है उन पर अब सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। नगर पालिका श्रीनगर के सफाई कर्मचारियों का आज सब्र का बांध टूट गया। गुस्साए कर्मियों ने तहसील पहुंचकर उपजिलाधिकारी अजयवीर सिंह का घेराव किया, तो वहीं इस दौरान उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कल से सभी कर्मी हड़ताल पर जा रहे हैं और जिससे सारी जिम्मेदारी प्रशासन की ही होगी। उनका साफ कहना है कि जब तक कर्मियों को तनख्वाह नहीं मिलती है तब तक वो हड़ताल पर ही रहेंगे। पांच तो सफाई कर्मचारी हैं और 50 के करीब बाकी अन्य जो ऑफिस के कर्मचारी वो हैं, पौने दो सौ के करीब कर्मचारी हमारे पास। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत सैलरी की दिक्कत है, सैलरी नहीं मिल पा रही। और हमारे बीच में कई तरह के कर्मचारी जिनको 6,000, 8,000, 9,000 का वेतन मिलता है, उनके सामने तो हमेशा दिक्कत बनी रहती है, लेकिन वेतन ना मिलने के कारण बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो चुकी है। आज उनको मतलब खाने पीने की भी दिक्कत आने लगी कि सब्जी लाने के लिए भी पैसे उनके पास नहीं है। सर, हम तो अपने नगर परिषद में बैठेंगे अपने कार्यालय में और हम बड़े आक्रोश से बैठेंगे। हमने बहुत धैर्य रख लिया कि हमें तनख्वाह मिल जाए, लेकिन जब तनख्वाह नहीं मिल पा रही हमको तब जाकर हमें हड़ताल बाध्य होना पड़ा, है ना। ये लोग जो है अपनी राजनीतिक लड़ाई में हम कर्मचारी, छोटे कर्मचारी पिस रहे हैं, तो हम कल से कार्य बहिष्कार पर बैठ रहे हैं नगर परिषद में। इसमें हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो रास्ता है जो विधिवत तरीके से, जो मेरे द्वारा यहाँ से शासन को, निदेशालय को चिट्ठी लिखी गई है, उसमें उनकी तरफ से कुछ अगर जवाब मिल जाता है, तब क्योंकि हाईकोर्ट का जो आदेश है उसमें क्लियर कट नगर पालिका डिजॉल्व पे स्टे लगा हुआ है,
तो अगर उनकी तरफ से आ जाता है कि फिलहाल वेतन के लिए निगम के तौर पे निकाली जा सकती है, तो मैं इसमें आगे की कार्रवाई कर सकूंगा। अगर तब तक ऐसा नहीं हो रहा है, तब तक नगर पालिका अध्यक्ष की तरफ से अगर एक नो ऑब्जेक्शन में मिल जाए या सहमति मिल जाए, तो हम लोग अल्टीमेटली जो सफाई कर्मी वो तो लगातार काम कर ही रहे, हाईकोर्ट की जो लड़ाई है, जो बाकी सारी चीज़ें वो चलती रहेंगी। काराडोंगी विधानसभा के चकलोवा सुरपुर गांव के ग्रामीणों ने बन रही एथेनॉल केमिकल फैक्ट्री के लिए कई लंबे समय से उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं निर्माणाधीन एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध लगातार जारी है। और आज सारे क्षेत्र के किसान और ग्रामीण काराडोंगी तहसील में केमिकल फैक्ट्री के अवैध तरीके से निर्माण में रोक लगाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और खबर उत्तराखंड में आज इतना ही, आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।